सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों सपने देखा करो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। इस बात को मैं नहीं, हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी ने बोला कि सपने देखा करो क्योंकि सपने पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करते हैं नौकरी और बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर आप बंदर के सामने केले और पैसे फेंकें तो बंदर केले उठाएगा, पैसे नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि पैसे से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। तो सेम उसी तरह से अगर आप किसी भी इंसान को नौकरी या फिर बिजनेस, इन दोनों को अगर आप ऑफ़र करते हैं तो इंसान अफकोर्स नौकरी को पकड़ना चाहेगा, ना कि बिजनेस को। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि नौकरी से ज़्यादा पैसा इंसान बिजनेस में कमा सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं नौकरी को बुरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बात सच है कि नौकरी इंसान को कभी भी भूखा नहीं मरने देती है, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि नौकरी कभी भी किसी इंसान के सपने पूरे नहीं होने देती है। आज अगर आप नज़र उठा के देखिए इस दुनिया के अंदर जितने भी 5% अल्ट्रा अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे लोग कोई ना कोई अपना बिजनेस कर रहे होंगे, ना ही नौकरी कर रहे होंगे। तो नौकरी इंसान को भूखा नहीं मरने देती है, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि नौकरी इंसान के सपने भी पूरे नहीं होने देती है। और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, इकलौते मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भी कहा है कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे समाज के अंदर नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। उनका कहने का मतलब यह है कि जब शिक्षा की बुनियाद रखी जाती है, जब एक बच्चा पहले दिन स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, तो उसके माँ बापों की सोच होती है कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और एक अच्छी नौकरी करे। यानी कि जब बुनियाद रखी जा रही है तो मकसद यही है कि मेरा बेटा बड़ा होके नौकरी करे, नौकर बने। तो उन्होंने सच ही कहा था कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इस बात को मैं नहीं, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कहा था। दोस्तों जिस दिन इंसान को ये फ़र्क पता चल गया, तो इंसान इस दुनिया में दूसरों के आगे रोना बंद कर देगा। और अभी आप देख ही रहे हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की कंडीशन, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि स्वयं रोजगार कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, खुद का कोई बिजनेस कीजिए, अपने पैरों पर खुद खड़े होइए। और दूसरी बात यह है कि आप देख ही रहे हैं हर चीज़ का निजीकरण होते चला जा रहा है। कंडीशन नौकरियों की कहां से कहां पहुंच गई है, कितनी वैकेंसी निकल रही है। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद यही है दोस्तों कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसको आप लोग बढ़ावा देंगे तो हमारे देश को बढ़ावा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे समय तो लगता है, टाइम तो लगता है, लेकिन जब इंसान सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसके साथ साथ न जाने कितने सारे लोग सफल हो जाते हैं। अगर आपको एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, एक बेहतर अपलाइनों के साथ मिलकर एक बेहतर टीम क्रिएट करनी है, और एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ में एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं,
तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका पूरा सपोर्ट रहेगा अपलाइनों की तरफ से, कंपनी की तरफ से और कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ से। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, नाम पहचान इज्जत सूरत मान सम्मान सब कुछ अगर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जिस दिन आपको ये पता चल गया उस बंदर की तरह कि बंदर के सामने कभी आप ट्राई करके देखना केले और पैसे फेंकना, तो ऑफकोर्स बंदर जो है वो केले उठाएगा पैसे नहीं। तो अगर आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इसको पहचानिए, क्योंकि मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता है। और जिसने इस दुनिया के अंदर मौके को पहचान लिया, अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया, वो आज कुछ ना कुछ मुकाम पे है, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।